विश्व हिंदू परिषद 5 अक्टूबर तक प्रदेश भर में रोज सप्ताह मना रही है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू संस्कृति को बचाने की मांग उठाई। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू की अगुवाई में उपायुक्त मंडी से एक प्रतिनिधित्व मंडल मिला। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल विधानसभा द्वारा पारित धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2019 जैसे कठोर कानून होने के बावजूद प्रदेश में हिंदू लड़कियों के साथ हो रहे शोषण के मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2019 के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग उठाई। प्रांत के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे प्रांत में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक। उसमें हमारे 2-3 विषय हैं जिनका वास्ता जिनका सामना सीधा सरकार से है। उसमें सबसे पहला है धर्मांतरण का। धर्मांतरण को लेकर सरकार के प्रयासों से हम लोग जो है वो कहा जाए तो संतोषजनक नहीं है वो प्रयास। और प्रशासन इसमें जितना भी कहा जाए कि जो ये विषय हमने उठाए हैं धर्मांतरण का हो गया, लव जिहाद का हो गया, गौ रक्षा संवर्धन का हो गया, गोवंश संवर्धन का और उनकी सुरक्षा को लेकर है, सरकार के दिशा निर्देश इसमें स्पष्ट है, कोर्ट के दिशा निर्देश इसमें स्पष्ट है। अब लागू किसने करना है? एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिला प्रशासन। जिला प्रशासनों की जो एक नकारात्मकता रुख जो है खासकर ब्यूरोक्रेसी का इसमें देखने को मिलता है, उसकी वजह से इन तीनों विषयों पे कोई भी कार्य जो है वो नहीं हो पा रहा। जबकि विश्व हिंदू परिषद पूरा उनके साथ है, प्रशासन को पूरा सहयोग देता है, प्रशासन को पूरा इनपुट्स देता है। गो संरक्षा गो संवर्धन की जहाँ भी बात आती है वहाँ प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, सभी गो सदनों के साथ वो सहायता करता है। लेकिन जो प्रशासन के पास शक्तियाँ हैं, जो लीगल काम प्रशासन के द्वारा होने हैं वो तो प्रशासन करेगा, उनको इनपुट्स दिए जाते हैं लेकिन इनपुट्स पे काम नहीं होता है। हमें चाहिए हमारे लोगों को, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको कार्य करने का तभी फल मिलेगा जब प्रशासन उनके साथ पूरा सहयोग दे और उनके द्वारा किए गए कार्यों का तभी लाभ मिल पाएगा प्रशासन को, आम जनता को। विशेष तौर पे ये देखा जा रहा है कि हिमाचल में जो ये जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं ये अपने पैर पसारने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल अभी तक पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह सेफ है, सबसे ज़्यादा शांत प्रदेश इसको बोला जाता है। हम नहीं बोलते, देश के बाकी हिस्सों के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हिमाचल जो है वो सबसे शांत प्रदेश है। लेकिन ये शांति कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही, भले ही वो 2% है, भले ही वो 3% है, आप लोग समझ जाएंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पे किए जा रहे हैं, धीरे धीरे उनका लक्ष्य है कि इसको बढ़ाया जाए और ये मानसिकता जो है इसको हम कतई भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। धर्मांतरण के केस जितने भी हैं हमारा प्रशासन के लोगों से खुलकर ये विरोध रहेगा, खुलकर उनसे आह्वान रहेगा कि आप विश्व हिंदू परिषद का पूरा सहयोग करिए, इसमें जो भी आपको हमारे द्वारा सूचना और इनपुट्स दिए जा रहे हैं उन पे आप हमारे साथ चलिए। हमारा जहां आपको सहयोग चाहिए हम आपके साथ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं जहां भी हम सहयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको जो प्रदत्त शक्तियां दी गई हैं उसका पूरा उपयोग करके हिंदू धर्म को जो है वो आम जनता को जो है इससे राहत दी जाए और हिंदू धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं, जिहादी मानसिकता वाले लोग जो हमारे खिलाफ एक कार्यक्रम चला के रखे हैं जिसमें मैंने 2 विषय आपको बताए, एक लव जिहाद का है, गलत तरह की आइडिया बना के सोशल मीडिया पे हिंदू लड़कियों को वर्गलाना, उनको मिसगाइड करना, फिर उनसे शादियां करने के बाद उनको छोड़ देना, इस तरह के किस्से जो है हिमाचल में कभी सुनने में नहीं आ रहे थे, लेकिन आज के लिए धर्मांतरण और लव जिहाद के किस्से जो है वो आम तौर पे हिमाचल में आपको सुनने में आ रहे हैं। हमारा इसी चीज को लेके कड़ा विरोध है प्रशासन के साथ और हम प्रशासन को चेता रहे हैं कि आप समय रहते इन विषयों को नोटिस करिए और हमारे साथ पूरा सहयोग करिए ताकि लोगों को भी जो भी ये कार्य हो रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और लोगों के खिलाफ हिंदू धर्म के खिलाफ उनमें लोगों को राहत मिले, आम जनमानस को राहत मिले। और तीसरा विषय महत्वपूर्ण है गोवंश का। गोवंश के विषय पे हमारा प्रशासन को साफ साफ ये कहना है कि जो आपको पंचायतों के स्तर पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भी है कि पंचायतों में इनका रिकॉर्ड रखा जाए कि गोवंश किसके पास कितना है। अगर पंचायतों में आप एक परिवार रजिस्टर लगा सकते हो
तो क्यों नहीं आप जो गोधन के लिए एक रजिस्टर लगा सकते हो, गोवंश के लिए लगाइए, कौन किसका किसके पास कितना गोधन है, कब उसने बेचा, कब उसने और खरीद के लाया, किसको बेचा, कैसे बेचा, उसमें एनओसी लगे प्रशासन की, कभी भी ट्रांजिट कर रहा है उसको इधर से उधर ले जाना है गोवंश को, या किसी का गोवंश अगर मर जाता है तो आजकल सरकारी तौर पे उनको क्लेम मिलता है, तो वो क्लेम भी तभी मिले जब उनको प्रशासन पंचायत से एक एनओसी जारी हो, इस तरह का एक रिकॉर्ड रखा जाए। और टैगिंग सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने जो कहा है, पशुपालन विभाग के लिए मेरा अनुरोध रहेगा, नहीं तो फिर पशुपालन विभाग भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, जितना जल्दी हो सके ये टैगिंग का कार्य पूरा कर लिया जाए, ताकि आपको ये पता लग जाए किसने जो पशु छोड़ा है वो किसका है और कहां से आया है, ताकि उस उन व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रिया में लाके दंडित किया जाए, जिससे कि ये जो कुप्रथा है पशु छोड़ने वाली वो जो है उस पर लगाम लग सके। तो विश्व हिंदू परिषद अपने इन तीन विषयों को लेके आज जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन देने जा रहा है, और एक तंत्र है वो इसी काम में लगा हुआ है कि सरकारी तंत्र के साथ मिलकर चाहे कैसे भी उनको प्रभावित करके, उनको धन खिलाकर, जैसे भी है जमीनों का पता लगाया जो भी कौन से सॉफ्ट सॉफ्ट टारगेट्स हैं, और खास करके जो सरकारी जमीनें हैं वो इनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। सॉफ्ट टारगेट इसलिए है कि वहाँ पे कोई मजार बना दो, शुरू में मजार बना के चार लोग वहाँ पे जाके कोई कार्यक्रम कर दें, उसके बाद धीरे 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 वहाँ जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, इसी तरह मजार का साइज भी बढ़ता जाएगा। आपने दूर क्यों जाना है, मंडी का हमारा एक बहुत, उसके बगल में जो था वो एक मजार अस्थाई बना दी गई और वहाँ पे लोग जाके पूजा करने लग गए शुक्रवार वाले दिन। जब हमें इस बात का पता लगा तो हमारे साथ अन्य हिंदू संगठनों ने मिलके और वहाँ के स्थानीय वीर मंडल ने मिलके जो था वो ये प्रयास किया, और वहाँ से वो मजार जो थी वो हटवाई गई।